63% 58. ये क्या था भाई? अबे ये क्या है? तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? रिबर्थ ऑफ द नाइट की एक और नई एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, नेक्स्ट लास्ट एपिसोड में हमने इसकी खोज की थी पायरेट्स शिप की, और सामने एक सन बॉस है उसकी, नहीं सन बॉस नहीं है वो, आई थिंक वो ट्राइब बॉस है। तो आज गाइस इन पे हम रेड करने वाले हैं, और लास्ट टाइम हमें एक विलेज मिला था पीछे, तो हम क्या करेंगे भाई, उस विलेज से बैड निकाल के लाएंगे और अपने यहाँ पे स्पॉन सेट करेंगे पहले, यानी कि हम अपना यहाँ पे बैड सेटअप करेंगे, क्योंकि यार मरे तो फिर काफ़ी दूर स्पॉन हो जाएंगे हम, तो पहले वो एक चीज कर लेते हैं हम सबसे पहले, फिर उसके बाद इन पे हम हमला करेंगे। तो भाई ये रहा वो घर, और इसके अंदर है बेड, ये रहा, तो ये बेड मैं निकाल लूंगा यहाँ से, या फिर मुझे यार ये बेड यहीं रखना चाहिए था, क्यों ना मैं ये बेड यहीं रखूँ और जो मेरे इन्वेंटरी में सामान है वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँ, और जब तक के लिए हम यहाँ पे हैं तो मैं थोड़ा सा खाना भी बना लेता हूँ। इस बार ये ईल का फिश, ईल का मीट खाएंगे हम, ईल ये ना, ईल मीट है, हाँ ये खाएंगे इस बार हम। ओके, तो थोड़ा सा इन्वेंटरी खाली कर लेता हूँ। क्या मेरे पास वुड लॉग हैं? हाँ ये रहे वुड लॉग, मेरे पास वुड लॉग है, तो मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, और क्राफ्टिंग टेबल नहीं एक स्टोरेज बना लेता हूँ। और यार ये बहुत चिल्ला रहे हैं, तो भाई हाँ ये स्टोरेज बन गए एक्स्ट्रा हमारे पास, ताकि ये फालतू का सामान भी मैं इसके अंदर डाल दूँ। ओके ठीक है, चलो भाई बैड हमारा स्पॉन हो गया है, और अब हम जाएंगे वहाँ पे रेड करने के लिए, लेट्स गो। तो सबसे पहले गाइज मैं ये पायरेट्स का शिप है ना जो, इस पे जाऊंगा मैं, और भाई इस पे जाने से पहले मुझे थोड़े से ब्लॉक चाहिए होंगे। तो भाई सबसे पहले शिप पे जाएंगे हम, और देखते हैं भाई ये शिप वाले कितने धुरंधर है। वैसे तो ये स्केली है, तो भाई ये स्केली हमारा जीना हराम भी कर सकते हैं, तो लेट्स सी यार, देखते क्या होता है। मुझे लगता है मुझे यहाँ से अंदर जाना होगा। ओके चलो इनको मारते हैं पहले यहाँ से। ये चीज़ सही है यार, ऐसे तो मैं सारों को ही मार दूंगा यहाँ पे। ओके ओके वो रहे, ओ आपस में लड़ रहे हैं वो, नाइस। लड़ो लड़ो भाई, लड़ो लड़ो आपस में लड़ो, थोड़ा हम भी हाथ साफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। और कौन है ये, कहाँ से मार रहा है भाई, अंदर है क्या? ओ यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट है भाई, अरे यार खजाना तो कुछ है नहीं इनके पास। नो नीचे कितने सारे बैड है भाई, ओ भाई नीचे खजाना हो सकता है काफी सारा, यहाँ पे बैड तो बहुत सारे हैं। ओ नाइस, ओके यहाँ पे गन पाउडर एप्पल, और भाई ये थोड़ा सा कुछ बेकार का सामान नीचे, और ये बैनर बहुत अच्छा लग रहा है यार, नाइस। ये बैनर मैं अपने घर पे लगाऊंगा भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है बैनर। ओके गाइस ये तो बहुत आम सी लूट है यार, कुछ अच्छी लूट चाहिए अपने को यार। ओ गोल्ड नॉट बैड, TNT मिले, एप्पल बहुत सारा मिल रहा है यहाँ पे। इनको बीमारी बीमारी थी क्या कुछ, जैसे कि डॉक्टर ने बताया हो भाई इनको कि एप्पल वेप्पल। ओ पायरेट्स हैट, नाइस नॉट बैड, ये अच्छी चीज़ है पायरेट्स हैट। अंदर भी एक चेस्ट है, जाएंगे उस पर भी, और यहाँ पे सारी चेस्ट आई थिंक मैंने खाली कर दी हैं, हाँ सारी चेस्टें खाली कर दी। तो इनके कैनन में देखते हैं भाई क्या है। ओके फायर चार्ज है भाई यहाँ पे बहुत सारे हैं, और
बढ़िया मैकेनिज्म बनाया हुआ इन्होंने भाई, ये एक तरह से तोप होती है ये। और लास्ट वाला चेस्ट लूट लेते हैं चलो। अरे यार इसमें तो कबाड़ा भरा हुआ है, कुछ नहीं है। नीचे वीचे कुछ रखते हैं क्या ये बंदे? इसको मार देते हैं। चलो मर गया बेचारा। तो भाई इससे भी हमें हैट मिली, तो दो हैट हो गए हमारे पास। हैट बहुत जरूरी है गाइस इसमें। और कुछ स्पेशल नहीं मिला भाई, घटिया सी लूट थी। कोई नहीं चलेगा यार अभी के लिए, ये लूट भी चलेगी। तो भाई अब बारी आती है ट्राइब वालों के, ठीक है। तो अब इनको मारना है, तो इनको मारने के लिए पहले यार मुझे ये सारा सामान जो है ना इनको एक सेपरेट जगह पे रखना पड़ेगा मुझे। तो चलो यार फिलहाल के लिए अभी चलते हैं। कहाँ से? ओ ये क्या है? ओ शार्क, व्हाट व्हाट शार्क है ये क्या है? ये भी शार्क है? ओ भाई शार्क मछलियाँ भी हैं इसमें भाई, ये तो बढ़िया यार। शार्क मछली देखी मैंने अभी, और उससे मुझे फिश ही मिली है, और ये प्रिज्मरीन शार्ड मिला है। तो गाइज अब मैं यहाँ पर एक चेस्ट लगाने वाला हूँ जो कि मुझे मिली है अंदर से, कुछ इस तरीके से। और इसमें मैं सारा सामान भरने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे इस सामान की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बस मैं ये ब्लॉक्स ले लेता हूँ। ओके अरे भाई बच गया यार, मैं नीचे गिर जाता अभी। और गाइज ये ट्राइब मैनेजर वाले भाई साहब जी आ गए हैं, और इन्होंने हमला करना भी शुरू कर दिया। और ये कैसा जानवर है भाई? फैसान। अरे भाई ये स्लिम कहाँ से आ गया भाई? ये तो बड़ी बुरी तरीके से इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया बॉस ने। ओ भाई साहब वो तो अच्छा है, मुझे फायर रेसिस्टेंस है भाई, वरना मैं तो मर ही जाता यहाँ पे। तो गाइस देखे ये रहा वो मोटा, और इस मोटे को मैं मारूंगा अब घुस के वहाँ पे, और मुझे बहुत सारा खजाना या फिर कुछ मिलेगा वहाँ से। मर जा, मर गया। ओके तो इसी तरह से भाई मुझे एक एक करके मारने पड़ेंगे ये सब। अरे यार ये क्या गिर रहा है? ओके मुझे यहाँ पे मास्क मिला एक, ये रहा वो मास्क, और इस मास्क से भाई चीज़ें बनेंगी शायद से। अरे यार भाई ये क्या है? ओ भाई ये तो काम की चीज है भाई। ये आया आजा बेटा कोते। अरे भाई नीचे गिरा दे इसने। देखो ये फंसे हुए नीचे, इनको यहीं से मारता हूँ मैं। अरे यार ये बिजली से गिर रही है ना ऊपर से। ओ भाई इनको मारने का यही तरीका आई थिंक। अगर मैं मास्क पहन लूँ तो क्या मैं इनकी पहचान में आऊँगा? क्या मैं इनके ट्राइब का हो जाऊँगा? कुतुम्बा भाई ये तो मुझे फिर भी मारने आ रहे हैं। अरे ये तो फिर भी मारने आ रहे हैं भाई। तो भाई कोई फायदा नहीं है मतलब इस मास्क का। अरे भाई इन्होंने कोई ड्रम जैसा कुछ बजा दिया। ओ भाई ये क्या हो रहा है? ताता थिया व्हाट? ओ भाई ये मास्क हटा लो भाई, कोई काम का नहीं है। ये क्या है? फायर पिट। अरे भाई ओके तो वो ये खुद ही पैदा कर रहा है भाई, तो इसका मतलब मुझे इनको जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा भाई। अरे यार ये मर क्यों नहीं रहे? ओ भाई व्हाट, होली शिट। तो भाई बड़ा मुश्किल है यार बॉस को मारना, देख रहे हो आप। अरे यार ये तो गिरा नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा भाई। अरे भाई कैसे मारूं यार इसको? ओ भाई ये पेट बजा रहा है अपना, होली क्रैप। चलो देखते हैं भाई मर पाता क्या नहीं मर पाता। आई होप कि मर जाए यार, इतने सारे एरो है मेरे पास, 8-10 एरो में मर जाए तो सही है।
अरे भाई एरो खत्म हो गया यार, अब तो इसको तलवार से मारना पड़ेगा भाई। तो भाई ऐसे ही बच सकता हूँ मैं इससे। ओ भाई ये भी तो है यार नीचे। अरे भाई ये तो बो एन एरो से ही मरेगा यार लग रहा है मुझे, ऐसे नहीं मरेगा। 63% 58। ये क्या था भाई? अब ये क्या है? ये कुछ अलग अलग से पावर यूज कर रहा है भाई ये। ओ भाई ये कौन सी पावर यूज कर रहा है ये? व्हाट भाई ये क्या पावर यूज कर रहा है भाई ये? वाई ये तो मरेगा ही नहीं ऐसे तो। ओ 10 हेल्थ बची है, मरने वाला है और ये खत्म। अरे मर जाना मर जा। ओ मर गया भाई फाइनली गाइस। ओ भाई ओ भाई देखो वो भी मर रहे हैं। मर जाओ भाई मर जाओ जल्दी मर जाओ भाई। तो फाइनली गाइस अचीवमेंट कंप्लीट और भाई मुझे मिल गया आर्टिफैक्ट, इपिक आर्टिफैक्ट है गाइस ये। फाइनली गाइस बॉस मार दिया हमने और यहाँ से एक गोल्ड ब्लॉक जो है वो ले लेता हूँ मैं। ये हमारा गिफ्ट समझ लीजिए आप एक तरह से। और भाई यहाँ पे गेहूँ की तो कमी ही नहीं है भाई। और ये कहाँ से आ गया यार? ये भी आते हैं क्या यहाँ पे? चलो यार अब ये फटाफट निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। सो गाइज यार ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे हे बेल निकाल लिए हैं और मेरे को एक अंडा भी मिला है और एक ये बाय आर्टिफैक्ट मिला है और एक ये मिला और एक गोल्ड का ब्लॉक मिला है। तो बाकी चीज़ें भाई मैं फेंक दूंगा यहाँ पे क्योंकि किसी काम की नहीं है। तो चलो भाई निकलते घर की तरफ, मेन सामान छाट के लेके जाऊँगा मैं अपना, फालतू का सामान नहीं लेके जाऊँगा, मतलब जो सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें होंगी। और इसने फिर से अंडा दिया भाई, ये कौन सा जानवर है? फेसांट, ये तो फेसांट है भाई और इसको उठा नहीं सकता यार मैं हद है। अरे यार ये अंडे देता है भाई फेसांट, काश यार मुझे इसके अंडों में से बच्चे निकल जाए तो अपने पास अंडे की तो कमी होगी ही नहीं फिर। ओके तो भाई यहाँ से मैं मेन चीज़ें लेने वाला हूँ जैसे एप्पल हो गया। तो भाई ये आ गया हमारा घर और यहाँ से हम सामान उठाएंगे और सीधा घर की तरफ निकलेंगे। जैसे अरे रिटर्न पोशन है तो, लेकिन यार रिटर्न पोशन अब काम नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे बैट स्पॉन कर लिया है अपना। तो गाइस यार वी आर बैक टू द होम और भाई हम घर पे आ गए हैं और अभी हम अपना सामान जो है रख देते हैं, अपना इन्वेंट्री खाली करते हैं। और यार इस बार अपने को बहुत सारा लूट मिला है भाई, देख रहे हो? नाइस। और अपने को यार दो एग भी मिले हैं, इन एग को हैच करके देखेंगे इनमें से कुछ निकलेगा तो, अगर निकल जाएगा तो यार बढ़िया है यार। वैसे यार मेरे चेस्ट है ना ऑलमोस्ट भर गए हैं, सभी के सभी भर गए हैं यार। तो भाई यहाँ पे और चेस्ट लग गए हैं और ये सारा सामान मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और बहुत सही सही चीज़ें मिली है इस बार यार अपने को। और ये जो मैन स्क्रिप्ट है ये मैं डालूँगा लेक्टन में। और लेक्टन कहाँ गया भाई? हाँ लेक्टन मैंने ऊपर रखा है क्या? हाँ यहाँ पे भी नहीं है भाई, तो नीचे ही है गया यार। मैंने बीस टायर और लेक्टन बनाया तो था, आई थिंक मैंने निकाल दिया होगा वो शायद। हाँ ये रहा लेक्टन और बीस टायर ही कहाँ है भाई? अरे ये तो रही बीस टायर ही। ओके तो भैया लेक्टन वापस लगा देते हैं। हाँ कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा देते हैं। चलो भाई काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो गाइस हम एक चीज़ को टेम करने वाले थे यार, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें एक हिप्पो करके है, ये रहा हिप्पोग्रिफ। तो भाई हमें ये टेम करना है एक फ्लायर और इसके लिए चाहिए भाई रैबिट फीट। और ये रैबिट फीट जो मिलता है ना, देखो रैबिट
बाय रैबिट, मतलब फेवरेट फूड रैबिट बाय ड्रॉपिंग मैनी रैबिट्स फीट नियर ए हिपोग्रिफ योर माइट अर्न इट टार्ट। तो गाइस अभी जाते हैं हम डेजर्ट, सामने ही मेरे घर के डेजर्ट है और वहाँ पे थोड़े से रैबिट वैबिट मारते हैं और देखते हैं भाई रैबिट फीट मिल जाए अपने को, आई होप। और यार एग को भी हैच कर ही लेते हैं लगे आ तो। भाई कुछ नहीं मिला एग्स में, सो सैड, खाली निकले एग। आई होप कुछ निकल जाता तो बढ़िया रहता यार। बस भाई अब रैबिट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। डेजर्ट तो आ गए हम। ओके ये रहा रैबिट। हाँ एक रैबिट फिट मिल गया मुझे, नाइस। तो भाई मुझे तीन चार मिल जाए ना तो हो जाएगा काम अपना। अरे यार इसने नहीं गिराया, क्या गिराया इसने कुछ? नहीं यार इसने भी नहीं गिराया। ओके एक रैबिट ये रहा। कुछ नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं मिला। सो गाइस थोड़ी सी मेहनत करने के बाद गाइस मेरे को 9 रैबिट फीट मिल गए हैं। और गाइस अब हमें बस एक ग्रिफिन को ढूंढना है, यानी हिपो को ढूंढना है, तो हमें मिल जाएगा। और एक हिपो, अरे भाई ये कहाँ गिर गया मैं। और एक हिपो गाइस मैंने देखा भी था घर से, मैं वैसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं घर के बहुत नज़दीक हूँ। और मैंने पास ही में भाई एक हिपोग्रिफ देखा था यहाँ पे, तो चलो यार उसके पास चलते हैं और देखते हैं भाई वो टेम होता है कि नहीं। आई थिंक वो एक लोता था वहाँ पे, बाकी देख लेते हैं। मैं जब घर पे आ रहा था ना वापस बॉस को मार के, तब मैंने उसको देखा था क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है उड़ने की यार। सो गाइस मैं यार कोई स्नो बायोम में आ गया हूँ घूमता फिरता, क्योंकि यार मेरे को मेरे घर के पास तो कोई ग्रिफिन नहीं दिखा, मतलब वो हिपोग्रिफ। और यहाँ पर मुझे एक अजीब सा स्ट्रक्चर मिला है, चलो इसको खोद के देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। ये कोई डंजन है क्या? वैसे डंजन जैसा कहीं से लग तो नहीं रहा, ये ट्रैप है क्या? यहाँ पे एक चेस्ट है भाई। ओ लाइम रूंस, नाइस। चलो डिस्क भी ले लेते हैं, ये तो बढ़िया चीज़ मिली यार अपने को। और ये क्या है भाई, क्या यहाँ पे कोई सीक्रेट रास्ता भी है क्या नीचे पीछे जाने का? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई, अब भाई ये कितना बड़ा स्लिम है यार। ओह भाई निकलो यहाँ से। अबे ये स्लिम कहाँ से आ गया इतना बड़ा अंदर, व्हाट? और एक स्ट्रक्चर वहाँ आगे भी है, उसको भी चेक करते हैं क्या है वो। ओ भाई ये तो खतरनाक चीज का स्पॉनर था। अच्छा वो मैंने तोड़ दिया, मर मर गई। आयरन ट्रैप डोर। सो गाइज यहाँ पे मुझे भाई ये एक और दानव मिला है, और इसको भी यार मैं मार देता हूँ, क्या पता इससे कुछ हमें अच्छा मिल जाए। गाइस मर गया, तो इस बार इसने कुछ नहीं गिराया भाई। चलो कोई ना, इसका भाई सामान लूट लेते हैं हम, मैनस्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है अभी अपने को। ओके बस ये मीट चाहिए हमें सारा का सारा। तो गाइस यार बड़ी देर बाद इतनी दूर घूम के आ गया, कोई हिपोग्रिफ नहीं मिला, लेकिन घर के पास मिल गया एक वापस से। तो भाई लेकिन यार ये बैठ नहीं रहा यार, इसको कैसे पकड़े जाए यार? वो फिर से गायब हो गया यार, ये बार बार ऐसे ही कर रहे हैं, आ रहा है गायब हो जा रहा है। ये रहा, ओ भाई बैठ गया, ओ भाई नीचे बैठ गया। ओ भाई आई होप कि यार ये हमारा बात मान ले। अरे भाई खा ले। ओ यार वो फिर से उड़ गया यार, हाथ दे यार। आजा भाई नीचे आजा प्लीज, आजा यार नीचे क्यों नहीं आ रही है? ओ
बैठ गया। कमोन कमोन उड़ जा नहीं भाई। अरे यार ये चूहा क्यों आ जाता है बार बार? ओ भाई अबे मैंने सारे क्यों घेर दिए यार, एक एक घेरना है, एक। अबे टेम हो गया भाई, एक ही में टेम हो गया ये। ओ नाइस। तो गाइस अब मेरे को बस स्टिक चाहिए होगी भाई, एक मिनट स्टिक चाहिए बस मुझे। काम हो गया भाई। ओ भाई फाइनली गाइस ग्रिफिन टेम हो गया भाई, और ये अपने बहुत घर के नज़दीक है भाई, देख रहे हो बिल्कुल एकदम घर के पास है ये भाई हमारे। नाइस। तो भाई अब स्टिक से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये एक ही फीट में हो गया इसका काम। नाइस। तो भाई इस पे हम सैडल लगा सकते हैं। ओके ये रहा सैडल, और चेस्ट भी लगा सकते हैं हम इस पे। वैसे डेड वुड है यार ये, तो चलो फिर भी बैठ जाते हैं इस पे हम। चलो भाई। तो गाइस फ्लायर मिल गया भाई अपने को। ओ भाई क्या अच्छा लग रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस, मेरे को सच बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा फील हो रहा है गाइस। अपने पास एक ग्रीफिन आ गया भाई एक, अब अपन बहुत दूर तक फ्लाई कर सकते हैं। तो भाई अभी चलते हैं अपने घर की तरफ, और ये रहा अपना घर, देख रहे हो भाई। नाइस। और इसको नीचे कैसे उतारते थे? नहीं जेड से, हाँ नहीं एक्स से नीचे उतारते इसको। ओके तो भाई, और भाई इसको ऐसे करेंगे तो खड़ा हो जाएगा ये, और ऐसे करेंगे तो बैठ जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस अपने पास आ गया भाई एक ग्रिफिन। और गाइस आज के वीडियो में भाई इतना ही यार, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया करेंगे भाई इस गेम में, कुछ नया मतलब कुछ बेहतर कुछ बढ़िया। और भाई अपने को ये एक पत्थर मिला यार, इसका यूज़ देखना पड़ेगा क्या यूज़ होगा इसका। लाइम रूनस मिला है हमें कोई, तो चलो यार देखेंगे। खाना वाना अपने पास हो गया है, और अपने पास भाई एक पैट आ गया है, और यार इसका नाम क्या रखे प्लीज़ आप मुझे बताना। इसका नाम हैप्पी भी रख सकते हैं हम, जो हमने एमसी इटर्नल में रखा था इसका नाम हैप्पी। तो क्या बोलते हो गाइस, हैप्पी नाम बढ़िया रहेगा? तो अगर आपको हैप्पी नाम अच्छा लगा तो लाइक करना बहुत सारे, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट एपिसोड, एंड चाओ चाओ।